सो मैं आपको बता दूं कि पपी सिर्फ एक ही हुआ है। जल्दी आओ बेटी। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि कल मैंने आपको कहा था कि अगर आज रात को भी कैंडी को कुछ नहीं हुआ तो सुबह हमें उसको उसके गायनेक के पास ले जाना पड़ेगा। जैसा कि कैंडी की डिलीवरी नहीं हुई, अब उसको लेके जा रहे हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30, 9:30 तक हमें डॉक्टर के पास पहुंचना है। डॉक्टर भी थोड़ा दूर है, लेट्स सी अब ये डॉक्टर क्या कहता है। बिकॉज 64 डेज कंप्लीट हो गए डॉक्टर के अकॉर्डिंग, जो कि एक्चुअल टाइम पीरियड होता है। सॉरी गाइस, मैं आपसे बाद में बात करती हूं, बहुत ज्यादा टेंशन में उस समय। एसी ऑन कर दो। तो जी हम लोग पहुंच गए हैं डॉक्टर के पास। अभी डॉक्टर का क्लिनिक खुला नहीं है, तब तक कैंडो को थोड़ा पानी पिला रहे हैं। ज़्यादा टेढ़ा मत करो, गाड़ी में गिर जाएगा। दोस्तों कैंडी की डॉक्टर थोड़ा आने में लेट हो रही है, इसलिए हम लोग गाड़ी में वेट कर रहे हैं। और सामने एक जगह डोसा बन रहा है, समाना ही नजर उस डोसे पे ही है पूरी तरीके से। और इतना हमारे सामने बन रहा है ना कि हमें इतना लालच आ रहा है क्या करें, लेकिन हम दोनों डाइट पे हैं। दोस्तों हम लोग कैंडी को अभी उसके गायनेक के यहाँ से लेके निकले हैं। वहाँ इसकी सोनोग्राफी हुई है और वहाँ पे पता चला है कि जो दो बच्चे हैं उसमें दोनों का हार्ट रेट बहुत अच्छा है, लेकिन उनमें से एक का मूवमेंट जो है ना वो बहुत स्लो है एंड विच इज डेंजरस। और जो भी कुछ सिम्टम्स होते हैं डॉक्टर ने चेक किया, बोला कि अब थोड़ा सा इसको डिलीवरी में इश्यू हो सकता है बिकॉज बच्चे का मूवमेंट बहुत स्लो है। तो डॉक्टर ने हमको सजेस्ट किया है कि आप लोग इसका सी सेक्शन करा लो। इन शॉर्ट सी सेक्शन जिन लोगों को नहीं पता, वो ये है कि भाई पेट काट के बच्चा निकाला जाएगा या बच्चे निकाले जाएंगे। तो हमने सोचा कि कल हमारा जो काम है फुल डे हम लोग बाहर रहेंगे, हम क्या परसों करा लें। तो डॉक्टर ने बोला परसों तक एक बच्चे के मरने के चांसेस हैं। तो हालांकि कैंडी को कुछ नहीं होगा, लेकिन हमने सोचा अगर इन एनी केस सी सेक्शन कराना ही है, चाहे आज कराओ चाहे परसों कराओ, तो हमने कहा कि फिर बच्चे को अगर सेव कर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो अब हम लोग जा रहे दूसरे डॉक्टर के पास जो हमें लगता है कि बेस्ट सी सेक्शन जहाँ पे होगा। पहुंच गए और आप लोगों को हम अपडेट करते हैं थोड़ी थोड़ी देर में क्या होता है। आज हम लोगों ने बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के डिसीजन लिया है। कम से कम 5 लोगों से बात की, इसमें 4 लोग डॉक्टर थे, कुछ ब्रीडर से भी बात की और फाइनली यही डिसाइड हुआ है कि कैंडी का सी सेक्शन कराया जाए। दोस्तों भी यहाँ आके हमने कैंडी के सारे टेस्ट कराए हैं, सारी रिपोर्ट ठीक आई हैं और यहाँ भी डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया कि उसको सी सेक्शन सर्जरी करनी चाहिए। अभी वो लोग कैंडी को लेके गए हैं और कैंडी की सर्जरी शुरू हो गई है। डॉक्टर ने राइट ऑपोजिट गाड़ी में बैठे हुए, डॉक्टर ने हमें ये भी बताया कि सर्जरी इसलिए भी जरूरी हो गई थी क्योंकि एक बच्चा जो था वो उल्टा था। तो डॉक्टर ने बोला अगर जो बच्चा सीधा है अगर वो पहले निकला तब तो ठीक है, लेकिन अगर गलती से ये बच्चा पहले आगे निकलने के लिए हो जाएंगे और तो कैंडी के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो देर वर 2-3 रीजंस टू गो फॉर दिस सर्जरी। 40 मिनट में उन्होंने बोला कि हमें फोन करेंगे। कैंडी को कुछ दिन एंटीबायोटिक्स पे रखना पड़ेगा, लेकिन आप लोग जो डॉक्टर्स के बारे में नॉलेज रखते हैं उनको बता दूं हमने सब कुछ इंक्वायरी कर ली है। वो एंटीबायोटिक्स ऐसे बिल्कुल नहीं होंगे जिससे कैंडी के दूध पे असर पड़े और बच्चों पे असर पड़े। हमने कम से कम 5-6 लोगों से बात की है, बहुत सारे ओपिनियंस लिए हैं, उसके बाद ये डिसीजन लिया क्योंकि हमारे लिए ये बहुत क्रूशियल डिसीजन था। तो अब आपको हम लोग थोड़ी देर में मिलते हैं। हम लोग भी पहले तो बहुत पैनिक थे, अब थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। डॉक्टर ने बहुत भरोसा दिलाया कि दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट और कैंडी विल बी परफेक्टली फाइन विद हर बेबी। आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। सो मैं आपको बता दूं कि पपी सिर्फ एक ही हुआ है और फीमेल पपी हुई है, और दो हमको लग रहा था 2 या 3 है, वो सिर्फ एक है और एक की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही थी सारी, क्योंकि एक पपी है जो कि बड़ा है साइज में। तुम जल्दी आओ बेटी। कैंडू आपका छोटा बेबी, ये छोटा कैंडू है, ये छोटा कैंडू है। हाँ चूना,
कैंडू भी एकदम ठीक है, मेरे कैंडू छुप छुपा रहा कैंडू रहेगा, उसके बाद एज तो छोटा आपका बेबी रहेगा। नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, देखो ना बेबी, ये मेरा छोनू और ये मेरे छोनू का छोनू, गुड़िया हुई है आपकी तरह, गुड़िया छोटी सी गुड्डी हुई है और मेरा छोनू ठीक हो रहा है बिल्कुल। छोनू बेबी, तो जी हम लोग निकल गए हैं, संभावना को पीछे बिठा दिया है कैंडी के साथ और बेबी के साथ, और मैं गाड़ी चला रहा हूँ, धीरे धीरे चलाऊंगा, ये देख लो उसके साथ। बिल्कुल डॉक्टर ने बोला है इसको इसके साथ रखो ताकि उसको थोड़ी मदरली फीलिंग और बढ़े, कि उसकी नहीं आ रही है कोई मदरली फीलिंग, वो खाली अपनी मदर के साथ लगी हुई है, देख भी नहीं रही अपनी बेटी को। बेटा आपका आपकी बेटी है बेटा। अरे 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 अरे, कैंडी मैं बहुत मारूंगा, कोई बात नहीं। दूध पी रहा है, पी रही है, थोड़ा ध्यान देना उसके ऊपर ना बैठ जाए कैंडी, कर सकती हो। तो जी हम लोग घर आ गए हैं, लेकिन जो ये बेबी है ये छोड़ ही नहीं रही है कैंडी को, दूध पीती जा रही है पिछले 10 मिनट से, तो हम सोच रहे हैं दूध पी ले उसके बाद हम लोग ऊपर चलेंगे। चेरी मौसी से बिल्कुल नहीं मिला सकते ना अभी, चेरी मौसी सोचेगी बॉल है मेरी, अब जाके निप्पल से चिपकी है, पता है अभी तक इसको समझ में नहीं आ रहा था डॉक्टर के यहाँ कि मुझे पीना क्या है। हाँ पी रही है, पी रही है, बिल्कुल पी रही है, मजे से, लेट के पी रही है उल्टा, और एकदम तेज रोती है वरना, अभी पी रही है। हाँ लो दीदी आ गई बच्ची घर में, ये देखो दीदी ऐसे डर गई, कैसी लगी? अच्छी लग रही है, आप तो डर गई देख के, एक ही है, आ जाओ भाई, चेरी मौसी को पता नहीं चलना चाहिए, चेरी मौसी को कुछ नहीं पता चलेगा, गड़बड़ कर देगी, तो भी सुन रहा है। ये अपने आप में बेबी इतनी खुश है कि कोई तो घर पे है जो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये अपना एंजॉय कर रही है, खुशियां मना रही है। तो किस चीज की तू क्यों खुशियां मना रही है भाई, मौसी बनी है ना वो, लेकिन इसको थोड़ी पता भी है, ये कन्फर्म थोड़ी हुआ है, छुपाया जा रहा है इसे, लेकिन बता भी नहीं सकते ना, मौसी खेलना चाहेगी। तो जी अभी कैंडी बच्चे को दूध पिला रही है और हम लोग इतना थक गए हैं, 7 बजे के उठे हुए हैं, और आप लोग को एक और राज की बात बता दूं कि हम दोनों ही नहाए नहीं है अभी तक, और अब नहाएंगे रात को ही क्योंकि अब हम सोने जा रहे हैं, हमारी हालत बहुत खराब है। आप लोग को दिखा देता हूं कैसे दूध पिला रही है, एक डाउट आप लोग का दूर कर देता हूं मैं, जो लोग ये सोचेंगे कि 2 बच्चे थे एक कैसे हुआ, ये एक ही बच्चा ऐसे लेटा हुआ था तो दोनों तरफ, तो सोनोग्राफी में दोनों तरफ से यही दिख रहा था, एक तरफ से मुंह एक तरफ से पैर, तो डॉक्टर्स को लगा कि जिसके पैर दिख रहे हैं ये पैर के रास्ते पहले आ रहा है, तो एक ही बच्चा था खैर, और बड़ा बच्चा था इसलिए सी सेक्शन जरूरी था, इसका साइज नॉर्मल चुहावा से थोड़ा सा बड़ा है। तो जी ये हो रहा है आज का व्लॉग एंड, आपको मिलते हैं कल, अब यही एंड कर देते हैं, आपको मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट व्लॉग में, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्लॉग, क्या है उस व्लॉग का सरप्राइज आपको उसी व्लॉग में पता लगेगा। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल संभावना सेठ एंटरटेनमेंट, एंड ऑल्सो आप लोगों ने कैंडी के लिए बहुत प्रेयर किया है और आप लोग इतना ज्यादा कंसर्न थे, थैंक यू सो मच फॉर दैट। ये बहुत हरामी बच्चा निकलेगा, मेरे को छोड़, इसने 2 घंटे में टोकरी से बाहर आना सीख लिया है, ये टोकरी किसी काम की, बड़ी टोकरी बनाओ।